दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो आपको पबजी में जिंगल बेल मिलने लगी आजकल, उसका यूज़ क्या है और कैसे उसके यूज़ से आप जो ये देख पा रहे हो कि बैक की स्क्रीन मेरे हाथ में जो गन है उसके ऊपर भी स्क्रीन लगी है और मेरे हेलमेट में भी जो स्क्रीन है वो कैसे ले सकते हो। पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको करना क्या है, जब भी आपको पबजी में जिंगल बेल मिलती है आपको जाना है इवेंट्स में। इवेंट्स में जाने के बाद डिपेंड करता है कि आपको जिंगल बेल कितनी बार मिली है, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट टाइम जिंगल बेल मिलती है तो ये आप जो नीचे देख पा रहे हो, एक जिंगल बेल मिलने पे ये जो बीपी पॉइंट्स का बॉक्स है ये खुल जाएगा आपके लिए, रिडीम के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो इससे आपको क्या होगा, जो बीपी के पॉइंट्स है आपको एक बार दिखा देता हूँ, जो कि मेरे पास 3,13,000 ऑलरेडी है, ये आपको उससे मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आपके पास एक से ज़्यादा होती है देखिए दोस्तों, अगर आपके पास 5 जिंगल बेल होती है, अगर मैं 5 जिंगल बेल यहाँ पे कलेक्ट कर लूँगा तो ये जो है ये जो बीपी का बक्सा है ये खुल जाएगा और इस बक्से में मुझे जो बीपी के जो पॉइंट्स है वो थोड़े ज़्यादा मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू जो हमने ऊपर बक्सा देगा। तो इससे हम फ़ायदा क्या होगा इस पॉइंट्स का बीपी के, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जैसे मेरे पास 3,13,000 पॉइंट है, उससे ज़्यादा मेरे पास थे तो मैंने उससे ये चीज़ें खरीदी हैं, जो भी मतलब सब चीज़ें नहीं खरीदी, कुछ तो मेरे को रॉयल पास लेने पर मिली है और जो रॉयल पास लिया है मैंने वो भी फ्री में लिया। अगर आपको ट्रिक पता नहीं है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, उसके ऊपर भी एक वीडियो आ जाएगा। तो चलिए देखते कि जो मैंने बैग लिया है कैसे लिया है, वो भी जिंगल बेल और बीपी के जो पॉइंट्स है उसकी वजह से। सबसे पहले जब आपके पास ये पॉइंट्स ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, तो आपको जाना है शॉप में। जाने के बाद आपको नीचे जो कैरेट्स का ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करना है, उसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पे जो सबसे लास्ट वाला कैरेट है उस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है मेरे को ओपन वंस, इतने इतने मेरे जो बीबीए कट हो जाएंगे। तो ये आपको लगभग आपके जो पॉइंट है वो ख़त्म होने तक या फिर जितने आप चाहे इसको ओपन कर लो। अब इसमें जो निकलता है इसमें आपको अच्छी चीज़ें नहीं मिलेगी, ऐसी फालतू चीज़ें मिलेगी, लेकिन इन चीज़ों को डिसमेंटल करके आप जो प्रीमियम चीज़ें हैं वो ले सकते हैं, वो भी कैसे वो आपको दिखाऊंगा। एक बार बहुत सारे पॉइंट जो है हमने रिडीम कर दिए हैं, अब हम इसे क्लोज कर देंगे। अब हमें क्या करना है, जाना है इन्वेंट्री में और यहाँ पे ऊपर छोटा सा बटन आ रहा है डिसमेंटल का, उस पर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करेंगे और सिलेक्ट ऑल करने पे यहाँ पे दिखा रहा है कि हमें 146 जो है ये कॉइन्स मिल जाएंगे, जो जिन कॉइन से हम प्रीमियम चीज़ें ले सकते हैं। तो हम इसे डिसमेंटल करेंगे। ओके, अब हमने जो इसे डिसमेंटल कर दिया, ओके, हमने जो अभी किया उसके आगे करना क्या है, अब हमें क्या करना है, हमें वापस जाना है शॉप में। आपको रिडीम के ऑप्शन में जाना है दोस्तों, जहाँ से आप चीज़ें ले पाओगे। तो अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है, तो यहाँ से आपको जो चीज़ पसंद आती है आप उसे ले सकते हैं। वो बैग भी मैंने यहीं से लिया था, लेकिन अभी वो फ़िलहाल बैग अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर मैं चाहूँ तो इसे ख़रीद सकता हूँ। तो कैसे, तो सबसे पहले मैंने इस पर इक्विप पे क्लिक कर दिया है, तो यहाँ पे मुझे बोल रहा है कि 320 जो कॉइन है मेरे कट जाएंगे, तो मैं इस पर हिट करता हूँ, परमानेंट हो जाएगा ये मैंने कर लिया परचेस। अब ये जो चीज़ है दोस्तों, ये बक्से के अंदर कभी नहीं निकलती, ये आपको परचेस ही करनी पड़ती है, तो ऐसे आप उसे फ्री में भी परचेस कर सकते हैं। और जैसे जैसे सीज़न चेंज होते हैं यहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें आती रहती है। पहले बैग था यहाँ पे, जब मैंने बैग ले लिया था, पता नहीं आपके इसमें अभी भी बैग हो सकता है, आप उसे चेक कर सकते हैं। अब मैंने नीचे का पैंट तो ले लिया है, अब मैं लूँगा ये ऊपर वाला शर्ट, तो इसे भी मैं परचेस करूँगा। तो यहाँ पे मुझे अचीवमेंट का रिवार्ड भी मिल चुका है, आप इसे यहाँ से कलेक्ट भी कर सकते हैं, ये देखिए। अब मुझे जो ये प्रीमियम जो बॉक्स है उसके 5 कॉइन मिल चुके हैं, ये देखिए पबजी प्रीमियम कैरेट कूपन, ये मेरे पास 5 है, इसे यूज़ पे क्लिक कर सकता हूँ। अब देखिए दोस्तों, अब मैं इसे ये 5 बार बॉक्स में से ओपन कर सकता हूँ। तो इसमें भी आपको कुछ अच्छी चीज़ें नहीं मिलेंगी, लेकिन आप उनको डिसमेंटल करके अच्छी चीज़ें ले सकते हो।
अगेन ओके। तो अब हम फिर से जाएंगे और उनको डिसमेंटल करेंगे। इस बार शायद हमें कुछ ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे। यहाँ पे सिर्फ दो दो शर्ट है और सिर्फ दो शर्ट के हमें 60 कॉइन मिल रहे हैं, और पहले 10-15 थे और हमको सिर्फ 150 कॉइन मिले थे, तो ये फ़र्क है। अब हमने इसको भी डिसमेंटल कर दिया। जो चीज़ आपको यहाँ पे पसंद आती है आप उसे ले सकते हैं। अगर हम बात करें, अगर मैं इसे गॉगल को परचेज करना चाहूँ तो यहाँ पे इसे परचेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो चीज़ें आपको दिख रही है, अगर आपको कोई चीज़ इसमें पसंद ना आए तो थोड़ा वेट कीजिए, हर बार वो चेंज होता रहता है। तो दोस्तों इसी तरह से मैंने बैग भी जो आपको दिख रहा है ये इसे ही परचेस किया था। और ये जो कॉइंट है इनको पड़े मत रहने दीजिए, उनका यूज़ कीजिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।